अब यास्मीन जी एक बहुत बड़ा नाम थी और रेडियो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं उनका एक प्रोग्राम चलता था सात रंग, तो उस वक्त तो ना तो कोई रेटिंग होती थी जैसे अभी टीवी की रेटिंग, चैनल्स की रेटिंग देखी जाती है, तो उस टाइम पे उनका वो शो इतना हिट था, इतना पॉपुलर था कि रेडियो में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला प्रोग्राम यास्मीन जी का होता था। तो मुझे याद है कि मैं छोटा था, जाहिर है उस यंगर, लिटरली बोरियां आती थी खतों की घर, और अम्मी एक एक बैठ के खत पढ़ती थी, खुद पढ़ती थी, एक एक को अंडरलाइन करती थी, एक एक को हाईलाइट करती थी कि इसमें से ये चीज पढ़ूंगी या नहीं। लिटरली मुझे याद है इतने इतने बड़े बड़े वो बोरियां आती थी। क्या बात। अम्मी ने जब भी टेलीविजन की ऑफर भी हुई ना, बहुत सिलेक्टिव रही। उसकी वजह ये थी कि रेडियो का एक करिज्मा होता है आवाज का, वो चाह रही थी कि वो आवाज का करिज्मा वैसे ही रहे, रजिस्टर्ड हो। हाँ, वरना क्या होता है, आप आवाज को शक्ल से मैच करते हैं, तो ऐसे ही है ना, रेडियो स्टार को करते हैं। मुझे हम सबको लोग शक्लों से पहचानते हैं, शक्लों से पहचानते हैं। और यास्मीन जी का जो एक करिज्मा है, मुझे लगता है वो यही है कि लोग उनको पहले उनकी आवाज से पहचानते हैं, उनका ऑडियो रजिस्टर है अपनी ऑडियंस में। और उन्हें भी एहसास था कि ऑडियंस के लिए उनकी आवाज इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनका उन तक आवाज ही पहुंचनी चाहिए, चेहरा ना पहुंचे तो बेहतर है। वाओ।